आई थी अब ऐसे साहब से कि वो हमें इस बारे में गाइड करें कि जब लोग शादी हॉल बुक करवाने आते हैं तो उन्हें किस किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सर मुझे आपसे ये बात पता करनी है कि जब लोग शादी हॉल बुक करवाने आते हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिनसे उनका जो है फंक्शन बेहतर हो सके शादी का। मेरे ख्याल में पहला सवाल तो ये ज़रूरी है कि शादी हॉल में क्यों आना चाहिए। मेरे ख्याल में ट्रेंड चेंज हो चुका हुआ है, हर बंदा ये चाह रहा होता है कि वो अपनी लाइफ को इजी करे। आप घर में अगर फंक्शन अरेंज करते हैं उसके लिए आपको टेंट अलहदा, फूड अलहदा, सर्विस अलहदा, क्रॉकरी कटलरी अलहदा, वो सब चीज़ें आपको अलग अलग अरेंज करनी पड़ती हैं। शादी हॉल में ये होता है कि आपको सारी चीज़ें एक रूफ के नीचे मिल जाती हैं और आप ईजी हो जाते हैं। बाकी जहाँ तक बजट कॉन्शियस होता है हर आदमी, उसके लिए एक मार्केट में डिफरेंट हॉल्स मौजूद हैं। कुछ का बजट ऐसा होता है जो आपको सूट कर रहा होता है, लो बजटेड होते हैं। जैसे जैसे आप चीज़ों में बेहतरी चाह रहे हो वैसे वैसे आपके रेट्स में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो हर क्लाइंट के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो कम बजट के पास चला जाए, उससे बेहतर बजट पर चला जाए, उससे ज़्यादा बेहतर पर जाए, वो फिर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है आप। लेकिन सहूलत ये है कि आपको खुद कहीं पर भी एक्टिव नहीं होना पड़ता, आप एक बुकिंग करवा देते हैं, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की हो जाती है, तो फिर उसको मैनेज करता है अच्छे तरीके से, आप बुकिंग हो जाती है। अब आपका सवाल मुझे कहीं रिपीट करें, आपने क्या किया था? मैं आपसे सवाल, मेरा सवाल ये था कि जब लोग हॉल्स बुक करवाने आते हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए जब हॉल बुक कराने आए तो उसमें सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो तो ये है कि हॉल की पोजिशन क्या है। क्या जिस हॉल में बुकिंग कराने चाह रहे हैं वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं? मीन्स आपकी बुकिंग कितने लोगों की है, क्या उस हॉल कितनी कैपेसिटी है कि वो उतने लोगों को अकोमोडेट कर सके। फिर आपको जो सर्विस चाहिए क्या वो हॉल वो सर्विस दे सकता है, उसके अंदर जो स्टाफ मौजूद है या जो बंदा आपसे कन्वर्सेशन या जो आपकी बुकिंग कर रहा है क्या वो जो आपसे कमिट कर रहा है आपको डिलीवर कर सकेगा। और यही है बेसिक चीज़ें। उसके बाद तो सर्विसेज इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्वालिटी ऑफ फूड इन्वॉल्व हो जाती है, उसके किराया डिस्कशन है कि उसमें आपको क्वालिटी ऑफ फूड के हवाले से अगर आप क्वालिटी ऑफ फूड को जज करना चाहें तो उसका जो सबसे ईजीएस्ट बेस्ट तरीका है वो ये कि आप अपने फंक्शन से पहले, क्योंकि हॉल उसके अंदर रूटीन में फंक्शन चल रहे होते हैं, आप अपने फंक्शन से पहले किसी भी फंक्शन पे वो हॉल वाले आपको उस फंक्शन पे इनवाइट करें। अब जो नॉर्मली एक प्रैक्टिस है हमारी, हम बुला लेते हैं होस्ट को, वो हमारे फूड को टेस्ट कर लेता है, उसको फूड को टेस्ट करके उसके जितने भी, क्योंकि नॉर्मली आम आदमी हर आदमी ही समझता है इस बात को कि खाने का टेस्ट कैसा होना चाहिए, ये जो खाना मैं खा रहा हूँ ये टेस्ट में ठीक है या नहीं है। उसमें उसके जो मसाला जाते हैं वो देखे जाते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैसे यूज़ हुए हैं, ये आम आदमी को भी समझ आ जाती है। जो बंदा रोज़ खाना खा रहा है उसको पता है कि जो मैंने खाना खा रहा हूँ उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है। अगर तो आपको उसका क्वालिटी और टेस्ट समझ आ जाए, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है वो समझ आ जाए, तो फिर आप उस हॉल में बुकिंग दे देंगे। मतलब सर जब अगर कोई आता है क्लाइंट आपके पास तो आप उसको इस चीज़ की शॉर्टी देते हैं कि यहाँ पर खाना जो है हॉल में म्यारी होगा? जी बिल्कुल, ठीक है, अच्छा खाना दिया जाएगा, क्योंकि जब कोई हॉल बुक कराने आता है तो उसका यही होता है कि ज़ाहिर सी बात है शादी में बहुत से मेहमान होते हैं, कोई मेहमान नाराज़ ना हो जाए, कोई किसी चीज़ पे इशू ना बन जाए, इसी वजह से हॉल्स बुक करवाए जाते हैं हर इंसान को टाइम देने के लिए। तो आप मुझे बताएं कि वो हर इंसान को आप यहाँ पे शॉर्टी इस चीज़ की देते हैं कि वो आके आपका किचन और उसमें खाना और जो उसका है कि म्यारी है कि नहीं, वो ये चीज़ें चेक कर सके? हम कोशिश ये करते हैं कि क्लाइंट को ईजी करें जितना कर सके। उसमें इजी अपने लिए भी और क्लाइंट के लिए होता है। पहली ऑप्शन तो ये, जब क्लाइंट हॉल को विजिट करेगा तो जो फर्नीचर है वो देख लेगा। मैं देखें फर्नीचर आपको डिमार्क है, मार्केट स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है, पहली बात। फिर फंक्शन पे बुलाने का मकसद ही ये होता है कि जो आपके क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन की जो लिस्ट है वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाए। उसमें ये होता है जब आप आते हैं हम आपको ग्राउंड पे लेके जाते हैं, आप खुद देखते हैं हॉल में क्या सेटअप लगा हुआ है, आप सेटअप अपनी आंखों से जब देखते हैं आप सेटअप के हवाले से मुतमईन हो जाते हैं। फिर जब आप आते हैं हम आपको जब फूड टेस्ट करवाते हैं तो उस फूड को टेस्ट करने के बाद आप फूड की क्वालिटी और टेस्ट के हवाले से भी कवर कर जाते हैं कि आपका जहन क्लियर हो जाता है कि फूड क्वालिटी भी ठीक है, फूड टेस्ट भी ठीक है। फिर तीसरी ऑप्शन जो है वो सर्विसेज की है। उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जब आप आते हैं यहाँ पे फूड टेस्ट करने, फूड की क्वालिटी चेक करने, तो जो फंक्शन होता है उसका होस्ट भी मौजूद होता है, आप उसे जनरली छोटा सा फीडबैक लेंगे तो वो आपको उसी वक्त बता देगा कि जी मेरे रेमेंट्स कैसे हैं और मेरी सर्विसेज कैसी हैं। तो उसके बाद आप डिसाइड कर लें कि क्या जो हाल जिसमें आप बुकिंग के लिए जा रहे हैं वो आपको सूट करता है, आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करता है, अगर करता है तो आप ऑप्शन डन करें।
में यही गारंटीज हो सकती हैं, यही अश्योरिटीज हो सकती हैं। और तीसरी बात जो आप किचन की, हमारे से किचन में हम लोग अलाउ नहीं करते किसी भी बाहर के बंदे को कि वो हमारे किचन को विजिट करे, हमारे किचन को देखे। हाँ, हमारा ये होता है, पंजाब फूड अथॉरिटी के लोग आते हैं, फूड इंस्पेक्टर्स हैं, वो आते हैं, रूटीन में आते हैं, विजिट्स करते हैं। अगर कहीं किचन में कोई इशू हो, नीड ना हो, हाइजीनिकली उसमें कोई प्रॉब्लम हो, वो चलान करते हैं। ये हमारा नहीं, ये पूरी मार्केट में ऐसे ही होता है। ये उनका एक सर्वे होता है, वो सबको चेक करते हैं, जहाँ पे जो प्रॉब्लम उसको उसके अगेंस्ट फाइन हो जाते हैं। तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो फाइन से बचे, ठीक है, फिर क्वालिटी को, हाइजीन को हम मेंटेन रखते हैं। ये हमारा क्राइटेरिया है जिससे हम हॉल की बुकिंग का और हॉल। नासरीन, आज हमने बात की शादी हॉल के मैनेजमेंट से और उनसे हमने पूछा जायद हनीफ अब्बासी साहब से किन 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 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं जो उन्होंने बताई है वो आपको समझ में आ जाएंगी और आप जब हॉल बुक करवाने जाएंगे तो इन चीज़ों का ख्याल